एक स्टोरी के माध्यम से जो स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया गोल्ड रश से। कैलिफोर्निया जो कि उत्तरी अमेरिका में है, उसकी सेक्रेमेंटो घाटी में जनवरी 1948 के समथिंग वहां पे सोने की धातु के कण मिलने की बातचीत का जो एक खबर चारों तरफ फैली। उसी के पास में जो सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पड़ता है वहां पे, और उस सेक्रेमेंटो घाटी के जो एरिया है उसमें लगभग 2.5 लाख लोग सोना खोदने के लिए, सोना तलाशने के लिए पहुंच गए। रातों रात तंबुओं में शहर उगने लगे और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह जो कि अज्ञात था वो आज एक नामचीन शहर का रूप ले चुका था। दौड़ धूप हलचल, बहुत सारे लोग वहां पे सोना खोजने के लिए पहुंच चुके थे और अब वहां पे एक समृद्ध शहर का रूप ले चुका था। उस टाइम सोना का जो खजाने को खोजने का जो खबर थी और लोगों में जो बातें थी वो बड़ा चढ़ा के कही गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहां सोना खोजने के चले गए। उसमें अखबार के एम्प्लॉय भी सोना खोजने के लिए चले गए तो अखबार बंद करने पड़े। दुकानदारों को अपने जो काम करने वाले उनकी तनख्वाह 4 गुनी करनी पड़ी, वरना वो छोड़ के चले जाते और सोने की तलाश में चले जाते। वहीं जो बंदरगाह थे वहां पे जो जहाज थे उनको छोड़ के जो उनके जहाज के कर्मचारी थे वो भी सोना खोदने के लिए चले गए। तो जो घाटी थी, जो बंदरगाह था वहां पे जहाज यूं ही समुद्र में तैरने लगे और जो समुद्री आवागमन बंद हो चुका था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा माइग्रेशन था उस टाइम, लगभग 2.5 लाख लोग, बहुत ही बड़ी जनसंख्या थी 1948 में जो वहां पे सोना खोदने के लिए पहुंच गया। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त भीड़ होगी वहां पे, कितनी ज्यादा हलचल होगी। जो सोने के खजाने की जो खबर थी वो सही थी, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया था कि बहुत सारे लोग अमीर बन गए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। उसको जो कहानियां थी उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया, जिससे कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे पहुंच गए। उन 2.5 लाख लोगों में से कुछ लोग ही भाग्यशाली साबित हुए, बाकी के बहुत सारे लोग संक्रमण के कारण मारे गए। यानी 2.5 लाख में से कुछ हजार लोगों को ही सोना मिल पाया, सोना खोज पाया, उतना मिल पाया जिससे कि उनकी जो मेहनत थी उसकी भरपाई हो सके और अमीर बन पाए। जो अमीर बन पाए, जिनके पास बहुत पैसा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जुए और शराब में बर्बाद कर दिया, और उनमें कुछ ही लोगों ने खेती बाड़ी में और दूसरे व्यवसाय में पैसा लगा के और बड़ी संपत्ति का निर्माण किया। तो यहाँ पे आपको शिक्षा लेने की जरूरत है कि अगर आपको सोना मिलता भी है, खजाना मिलता भी है कहीं से, तो उसको आप किसी भी चीज में व्यर्थ वेस्टेज नहीं करके उसको इसी चीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि और पैसा और धन संपदा आप अर्जित कर पाए। अब हम बात करते हैं गोल्ड रश के असली विजेता के बारे में, वो थे सैमुअल बर्नन, जो कि एक विजनरी इंसान थे और उन्होंने ये चीज सोची थी कि लाखों टन मिट्टी को और कंकड़ पत्थर को उदेलने के बाद में अगर सोना मिलता है, उससे अच्छा है कि जो सोना खोदने आए हैं उन लोगों को जो जीवन आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं, अगर मैं वो बेचूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा और ज्यादा कमाई होगी। तो उन्होंने उस टाइम, उनके वहां पे एक स्टोर था और उस स्टोर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया और बहुत अच्छा सामान सेल किया। उस टाइम के जमाने में उनकी पर डे की सेल लगभग $5,000 होती थी, जो आज के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा की पर डे की सेल उनकी होती थी। सेक्रेमेंटो में जो उनका स्टोर था उसमें वो बहुत सारी चीजें बेचते थे जो जरूरी थी, और साथ में जो सोना खोदने के लिए जरूरी थी, जैसे खोदनियां हो सकती है, बेलचे, बर्तन, तंबू, मोमबत्तियां, साबुन, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो उनको चाहिए चाहिए होती थी, खाने की चीजें जो उनको चाहिए चाहिए होती थी, और इससे वो बहुत ज्यादा उनका दुकान का टर्नओवर हुआ और टर्नओवर से उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। जिनको सोना मिला उनको भी सामान खरीदना था और जिनको नहीं मिला उनको भी सामान खरीदना था, अगर उस कंपटीशन बनाए रहने के लिए, तो सभी को कुल मिला के सामान चाहिए था। उन्होंने जीवन आवश्यक चीजें बेच के वहां पर बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया। जितना लोगों ने सोना बेच के या सोना ढूंढ के नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने जीवन आवश्यक ऐसी चीजें जो मूलभूत है, एसेंशियल है, उन चीजों को बेच के बहुत अच्छा पैसा अर्न किया। तो ये चीज क्लियर है, सुस्पष्ट है, जो विजनरी इंसान है, जो सफल इंसान है, वो इन क्लियर चीजों को देखते हैं, उसी को नए रूप से, नए मॉडल के रूप में बिजनेस बनाते हैं और जीवन में छा जाते हैं। आप देखिए कि ये 1848 की जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, क्या आज तक ये व्यवहारिक नहीं है? आपके चारों तरफ देखिए, वॉलमार्ट, रिलायंस फ्रेश, बहुत सारे बिग बाजार ऐसे स्टोर हैं जो आज वही काम कर रहे हैं, बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। यहां तक कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इस तरह की वेबसाइटें जो आपको जीवन आवश्यक चीजें रिटेल में, खुदरा में आपको उपलब्ध करा रही है, और उनसे वो बहुत पैसा बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जुए में या किसी केस को, किसी भी केस करके किसी की संपत्ति छीन के पैसा बनाने की सोचते हैं, जबकि आपके पास एक अवसर है जीवन आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, अगर कोई आप कारोबार करते हैं तो बहुत अच्छी संपत्ति बना सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल जानते हैं कुछ फिगर्स फैक्ट्स के माध्यम से, जिससे कि आप समझ पाएंगे कितना बड़ा आपके पास खजाना छुपा हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि हम डेली
लाइफ में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनको रोज देखते हैं, लेकिन उनके पीछे धन को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक रडार पे वो धन संपदा आती नहीं, उनको हम एज कैजुअल, जैसे कि आदि समय से, बहुत पुराने समय से चला रहा है कि ये चीजें तो चाहिए, हमें लानी पड़ेगी, ये तो खर्चा करना पड़ेगा, हम मानसिक रूप से उन चीज को सेट कर रखा है। तो हम उन वस्तुओं से, उन सेवाओं के पीछे जो धन छिपा हुआ है, कितना करोड़ों का टर्नओवर होता है, कितना अरबों का टर्नओवर होता है, उसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम इन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे तो उस धन को अचीव करने के तो तरीके खोजने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक हम अपने मस्तिष्क में, अपने प्रोग्राम में ऐसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग नहीं करते कि ऐसा रडार स्थापित नहीं करते कि वो इस चीज़ों के संबंधित, इन सेवाओं, वस्तुओं के संबंधित पैसे को देख पाए, और जब तक हम नहीं देख पाएंगे, जब तक हम वो धन संपदा प्राप्त करने की कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये धन संपदा कितनी बड़ी है। आप अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, और आपके घर में सबसे छोटा कमरा होता है बाथरूम, उसका एक विजिट करिए और देखिए कि आपके बाथरूम में कितना रुपए का सामान पड़ा है। इसमें आप देखिए, टूथब्रश हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, डिटर्जेंट का बहुत बड़ा कारोबार होता है। डिटर्जेंट आपके घर में कितना सारा इस्तेमाल होता है, और वो हर महीने आपको चाहिए होता है। ये नहीं कि आपने एक बार ला के रख दिया, लेकिन वो हर महीने चाहिए होता है। वहीं देखिए, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, साथ में अपने घर में आप किचन में जाएंगे तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि डिशवॉशर है, डिश क्लीनिंग एजेंट है, खाने पीने की कुछ वस्तुएं हैं। वैसे ही आप अपने घर के दूसरे कमरों में और उनके कोनों में झांकिए, डोर्स में झांकिए कि कितना फेस वॉश, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, FMCG, कितना सामान आपके घर में पड़ा पड़ा है। टेबल, कुर्सी, टीवी, टेलीविजन, उसके कनेक्शन जो सर्विसेज आप टाटा स्काई ले रखा है, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, कितना सारा डेली की सर्विसेज जो आप लेते हैं, उपभोग करते हैं, और उनको कभी विचार भी नहीं करते कि ये पैसा आप कमा सकते हैं क्या, जबकि लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट आपके घर में भरे पड़े हैं जिनको आप खरीद के लाते हैं और यूज करते हैं, इन सब पैसा कौन बना रहा है? आप तक जो ये सुविधाएं पहुंचाता है वो पैसा बनाता है। मैन्युफैक्चरर तो बनाता है, लेकिन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लोग हैं वो पैसा बनाते हैं। साथ में जो एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, जो झूठ एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो सही नहीं बोलते, वो चीजों को इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन आपको एडवर्टाइज करके वो चीजें आपको बताते हैं, वो लोग आपसे बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। और आप उन चीजों को यूज करने के बाद रिकमेंड करते हैं, और जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उनके काम को आसान बनाते हैं, और आपको कोई भी पैसा हासिल नहीं होता। तो इस तरह से देखिए, आप कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे हैं और आप लोगों को कमाने के अवसर दिए जा रहे हैं, आपके घर का खजाना खाली किए जा रहे हैं। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े जीवन आवश्यक चीजों के उत्पादक डॉक्टर गैम्बलेन के बारे में जानते हैं, P&G जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 5,186 अरब रुपए का कारोबार करता है। ये देखिए कितना बड़ा कारोबार है, 5,186 अरब रुपए का कारोबार ऐसी चीजों का जो आपको रोज चाहिए। आप तो सोचते हैं कि हमें एक छोटा सा बजट देना होता है, लेकिन उनका कितना बड़ा टर्नओवर आप करके आते हैं। उसी के साथ हम जानते हैं कि एक भारतीय घर के बारे में, एक भारतीय घर की कहानी, एक भारतीय घर की झलक, कि कितना पैसा हम पर मंथ, पर ईयर खर्च कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए जो हमें रोज चाहिए, जिसके जो धन संपदा हम लुटा रहे हैं, उन पर विचार भी नहीं कर रहे कि वो पैसा हमारे पास क्या कहीं कैसे भी तरीके से आ सकता है क्या। तो ये कितना पैसा हो सकता है, एक झलक है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखिए। एक औसत भारतीय की अगर आमदनी की बातचीत करें तो पर मंथ अगर वो 15,000 रुपये भी कमाता है, और साल के कुल मिला के होते हैं 1,80,000 रुपये, तो आप देखिए ये जो पैसा है, एक छोटा सा एवरेज दे रहा हूँ, 15,000 रुपये सबसे लोएस्ट एक एवरेज जो डाटा गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है कि एक मिडिल क्लास की, एक लोअर क्लास की इतनी इनकम तो होती है, स्पेशली जो छोटे मोटे भी इंप्लॉय सेक्टर में है। तो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 रुपये हुए। एक औसत घर की जो आकार होता है 2,000 स्क्वायर फीट होता है, यानी एक इंसान को 2,000 स्क्वायर फीट को रनिंग करने के लिए, उसके डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना पड़ता है। और इस तरह से लगभग 1,33,200 रुपये हम खर्च करते हैं एक साल के अंदर मार्केट के अंदर, और 1,33,200 रुपये में से लगभग 75% पैसा हम ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आवश्यक है, जैसे घर, गाड़ी, दवाइयां और अन्य जो हमें चाहिए होता है। उसके अलावा 1,33,200 में से हम 25% पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो हमें FMCG के रूप में चाहिए, जो हमें रोज खत्म होती है, जिसमें हम शामिल करते हैं तेल, साबुन, कॉस्मेटिक्स की चीजें जो हमें रोज चाहिए होती है। यानी लगभग देखा जाए तो 25%, यानी मतलब 33,300 रुपये पर ईयर हम ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो FMCG है, जो रोज हमें चाहिए। तो इस तरह से हम एक एवरेज देखें तो लगभग 2,800 रुपये एक एवरेज इंसान मार्केट में खर्च करता है अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और इस हिसाब से देखिए कितना बड़ा पैसा आपका इंतजार कर रहा है। अभी तो आपको फिगर हमने एक घर का दिखाया है, इसको हम देखते हैं पूरे भारत के हिसाब से कि कितना पैसा, कितना टर्नओवर हो रहा है आपके चारों तरफ, आपके कहने से, आपके रिकमेंडेशन से हो रहा है, वो भी मजे की चीज ये है।
अगर हम भारत की बातचीत करें और भारत में अगर बातचीत करें कि 25 करोड़ अगर घर हैं और वो 2800 रुपए का पर मंथ का सामान लेके आते हैं तो लगभग 700 अरब रुपए का कारोबार इन्हीं चीजों को होता है जो डेली लाइफ में हमें चाहिए होती है। तो अब देखिए भारत में एक इसमें FMCG का बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय GDP में अगर देखें घरेलू जो चीजें हैं घरेलू वस्तुएं हैं उनका कारोबार भारत की जो GDP है उसमें 10% है, यानी जो भी GDP का जो वैल्यूएशन उसके 10% ऐसी चीज़ों में है जो घरेलू रिक्वायरमेंट की चीज़ें FMCG की चीज़ें जो आपको रोज चाहिए होती है। तो कितना बड़ा पैसा हो सकता है, यानी 700 अरब रुपये पर महीना का टर्नओवर FMCG से होता है तो वो आपके लिए क्या सोने की खदान है या सिर्फ एक डेली रिक्वायरमेंट की चीजें जो आप लाते हैं खर्च करते हैं और भूल जाते हैं। ये इतना पैसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान के भी मूल्य अगर लगाएं तो उससे भी कई हजारों गुना ये ज्यादा पैसा होगा। तो आप देखिए आपके घर में खजाना छुपा हुआ है, पैसा है, उसको बस आपको निकालने का तरीका सोचना है, तरीके आजमाने हैं, तरीके जानने हैं जिसको आजमा के उस पैसे को आप निकाल सके। 1879 में F.W. वुलमर्थ ने डिस्काउंट पे चीजें सेल सल्कल्पना का विकास किया। उसके बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उनकी एक जारी दुकान 1918 में 5th Avenue पे खुली और उनका साम्राज्य 1990 तक कायम रहा। उसके बाद में वुलमर्थ का आना था क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज्यादा शहरीकरण हो रहा था और वो जो वुलमर्थ था उनका फोकस मेनली जो छोटे कस्बे थे उन पे था और वो लगभग 8,000 जिनकी भी पॉपुलेशन होती थी वहाँ पे उनका स्टोर होता था। तो जनसंख्या के बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से शहरीकरण होने की वजह से वो थोड़े पिछड़ गए, अपडेशन उन्होंने किया नहीं। उसके बाद में आता है वुलमर्थ। वुलमर्थ क्या है, वही चीज़ है जो वुलमर्थ करते थे, यानी डिस्काउंट पे चीज़ें बेचते थे। डिस्काउंट पे चीज़ देने से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और चीज़ें खींचने के लिए खरीदने के लिए चले आते हैं। वुलमर्थ का साम्राज्य आप देखिए कितना बड़ा है, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं रिटेल इंडस्ट्री के बारे में जो है $26 trillion की इंडस्ट्री पूरे दुनिया में और जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। उसमें हम देखें ऑनलाइन जो कारोबार है, जो ऑनलाइन अभी रिटेलिंग का कारोबार है वो लगभग पहुंच चुका है लगभग $3.5 trillion का, जो 2022 तक आते थे $6 trillion को भी क्रॉस कर जाएगा। यानी ऑनलाइन के द्वारा भी रिटेल का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। तो रिटेल का मार्केट सभी को इसमें अवसर दिख रहा है और सभी इस चीज में कूद रहे हैं, जैसे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, यहाँ तक देखिए अंबानी कितने बड़े एम्पायर था लेकिन फिर भी वो रिटेल में आ चुके हैं। तो आपको देखना होगा कि कितना बड़ा पैसा है। अगर रिटेल की हम ग्रोथ की बातचीत करें तो लगभग 4.5% की ग्रोथ हर साल ये अचीव कर रहा है। 4.5% ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। और भारत की अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बातचीत करें तो लगभग $11 trillion की इंडस्ट्री भारत की रिटेल इंडस्ट्री है और ये हम पूरी भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें 8% जनसंख्या को इसी के द्वारा हम उनको नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन के परिवार के पास जो संपदा है उसके बारे में बातचीत करते हैं, जो संपदा है लगभग $201 billion, ये जो एक इंसान की हिस्सेदारी में आता है लगभग 3,000 अरब रुपए। तो आप देखिए 3,000 अरब रुपए उन्होंने एक इंसान के हिस्से में आ रहा है तो उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा रिटेल इंडस्ट्री के माध्यम से। और वहीं हम रिलायंस रिटेल की बातचीत करें तो लगभग $34 billion का उनका कारोबार है। तो आप देखिए इतना पैसा रिटेल के माध्यम से लोग अर्न कर रहे हैं। तो आप सोचते हो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग उनको पैसा या बहुत ज्यादा अमीर बनाने के लिए क्यों तो ले पड़े हैं। तो उनके दिमाग में सेट है कि डिस्काउंट में मेरे को कुछ फायदा होता है, तो डिस्काउंट लेने के लिए वो इस तरह के मॉल में विजिट करते हैं और या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन वहीं वो डिस्काउंट पे चीजें लेते हैं लेकिन वो एक चीज नहीं समझते, अगर कोई 100 रुपए की चीज खरीदेगा उस पर अगर 5 से 10% उसको डिस्काउंट मिल गया, जो सर्विसेज या जो सामान सेल करने वाला है वो लगभग 90 से 95 रुपए उनसे अमीर हो जाएगा और ये इंसान जो अपना चीजें खरीदने के लिए मार्केट में पैसा दे रहा है 90 से 95 रुपए गरीब हो जाएगा। तो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, वो डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जो उनकी चीजें जरूरत नहीं होती वो भी चीजें खरीदते हैं और अननेसेसरी अपने पैसे का वेस्टेज करते हैं। एक फीलिंग आती है कि मुझे डिस्काउंट में कुछ चीजें मिल गई, बस उसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपके जो घरेलू चीजें हैं उनका मालिक कौन है, उनसे कौन पैसा बना रहा है, आपके जो परिवार की जो चीजें हैं उनसे कौन पैसा बना रहा है, आपके दोस्तों की जो चीजें हैं घरेलू चीजें उनसे कौन पैसा बना रहा है, उनके मालिक कौन है, और दोस्तों के दोस्तों का जो पैसा है जो घर की चीजें हैं उनका उनसे कौन पैसा बना रहा है। तो आपको ये चीज विचार करनी होगी कि इस पे आपको कैसे फोकस लाना होगा, कैसे इन चीजों को अचीव कर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेल में इतना पैसा है तो सभी लोग इस चीज में इंडस्ट्री में क्यों नहीं उतरते, इसमें पीछे दो सिंपल से कारण है। पहली चीज, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए और इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत बड़ा पैसा।
सा चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लोगों के पास रीजन नहीं होता, वो इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पाते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते, उनको बहुत बड़े सिस्टम का रूप नहीं दे पाते, वो एक दुकान खोल के या एक मॉल खोल के खुश हो जाते हैं और वहीं पे उनकी पूरी जिंदगी में भाग दौड़ बीत जाती है और वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। जब तक डुप्लीकेट नहीं करेंगे बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट दो कारण है जिसकी वजह से लोग रिटेल के बारे में चीजें जानने के बावजूद भी इन चीजों में हाथ नहीं डालते हैं और अपना भविष्य आजमाते नहीं है। अब देखिए कि रिटेल मार्केट में आपका क्या योगदान है। 1950 में ही व्यापार विशेषज्ञों ने एक चीज घोषित कर दी थी कि सबसे बड़ा जो प्रचार का माध्यम है, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग का माध्यम है, वो मौखिक प्रचार है। यानी न तो कोई सिनेमाई, न कोई दूसरे तरीके से एडवर्टाइजिंग बहुत पावरफुल है, सबसे बड़ा पावरफुल है मौखिक एडवर्टाइजमेंट। आप देखिए कितनी चीजों की आप तारीफ करते हैं, कितनी चीजों के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये चीज बढ़िया है, ये सेवा बढ़िया है, ये फलाने की सर्विसेज बढ़िया है। तो आप चीज देखिए कि लोगों को आप करोड़पति बना जा रहे हैं जबकि आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो एडवर्टाइज करने वाले अभिनेत्री हैं, फिल्म एक्ट्रेस, एक्टर एक्ट्रेस, वो भी पैसे वाले होते जा रहे हैं जबकि और आप गरीब होते जा रहे हैं, जनता गरीब होती जा रही है। तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि मौखिक प्रचार के माध्यम से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पैसे का आपको फायदा उठाने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। उसमें क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो सप्लायर के माध्यम से, अपने सप्लायर रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, जो भी बड़े मेगा स्टोर होते हैं जैसे रिलायंस हो, जैसे वॉलमार्ट हो, जैसे बिग बाजार हो, उनसे वो बातचीत करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। वहाँ से वो सामान आपके पास पहुँचता है और आप जैसे बहुत सारे कस्टमर उनके पास होते हैं, वो सामान लेके आते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको पैसा अचीव करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या जो मेगा स्टोर है उसके रूप में आपको सामने आना पड़ेगा, उसका स्थान आपको लेना पड़ेगा। सिंपल सा उसमें आपको काम क्या करना है, आपको अपनी जो खरीदने की आदत है उसको बदल के सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान लेना है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। जिससे ही आप वहाँ से सामान लेते हैं, आप अपने जानकारों को, कुछ कस्टमर को बता दें कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है, अगर वो आपके कहने से वहाँ से प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसमें पैसा अर्न होता है। तो इस तरह से आप ऐसे ग्राहकों का एक समुदाय, कम्युनिटी बनाते हैं जिनकी सेम चीज़ों में दिलचस्पी है, स्वयं तरीके से सोचते हैं और उन लोगों को आप प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं और आप पैसा बनाते हैं। और आपके जैसे ही उनमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो और पैसा बनाना चाहते हैं, उनको आप ट्रेन करते हैं, शिक्षा देते हैं और एक बहुत बड़ा आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं जो वहां से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसके एवज में आपको मैन्युफैक्चरर होता है, वो आपको कमीशन देता है, वो आपको बोनस देता है और आपको बहुत सारा पैसा अर्न करने का मौका देता है जिसे वो भी कमाए और आप भी कमाए और उनको एक लॉयल कस्टमर, लॉयल ऑडियंस मिल सके जो कि उनका सामान कंज्यूम करता है और लगातार कंज्यूम करता रहेगा। इस बुक में जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बताया गया है जो आपके लिए घरेलू स्वयं खोज निकालेगा वह है, जैसे कि आप इमेज में देखें, मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से रिटेलर के माध्यम से एक कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है और कस्टमर अपने घर पे प्रोडक्ट लेके आता है। तो यहाँ पे पैसा कौन बना रहा होता है, जो बीच में बैठे हैं रिटेलर, जो बहुत ज़्यादा अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोडक्ट लेके आपको सप्लाई करते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों पे पैसा बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं, बड़े बल्क पे काम करते हैं, तो ये लोग आपसे पैसा बना रहे होते हैं। जबकि फिर अगर आप थोड़ा चेंज करते हैं कि इन शॉप से अगर आप लेना बंद करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से टाइप हो जाते हैं, तो ये जो पैसा है वो कैशबैक के रूप में आपके परिवार को, आपके घर को मिलेगा, यानी डिस्काउंट और रिटेल प्रॉफिट आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप कुछ कस्टमर्स को तैयार करते हैं जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपके कहने पे प्रोडक्ट उस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट भी लेते हैं या आपसे खरीदते हैं, तो आपको कैश फ्लो होगा, यानी कुछ और एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उसमें रिटेल सेल्स कमीशन और बोनसेस फायदा होगा आपको, तो ऐसा आपको फायदा होता रहेगा। ऐसे ही आप आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं कि आपके जैसे कोई दूसरा है आदमी जो भी ऐसा बिजनेस करना चाहता है, ऐसे कस्टमर की कम्युनिटी बनाना चाहता है, तो उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं और ऐसे लोगों को अपनी टीम में ले सकते हैं। तो आपको कस्टमर से भी फायदा हो रहा है, आप प्रोडक्ट पर्सनल ले रहे हैं उसमें भी डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है और साथ में आप जिन लोगों को सिखा रहे हैं उनके द्वारा जो टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर होगा उसका भी आपको 70% मिलेगा। तो इस तरह से आपको फायदा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कैश काउ, यानी दो तीन तरीके से आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, कैश बैक के जो खुद के परचेजिंग से होगा, कैश फ्लो जो आपके कस्टमर आपसे परचेज करेंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से परचेज करेंगे, तीसरा होगा कैश काउ। कैश काउ यानी आपके जैसे ही जो परचेज करने वाले कस्टमर हैं वो
गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं, तो उनके द्वारा जो टर्नओवर होगा उस पे भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे तीन तरीके से आप अर्निंग जनरेट करते हैं और इस तरह से आप गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनके ये बहुत जो अच्छा पैसा है उसको बना सकते हैं। घरेलू स्वयं का जो आनंद ले सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी हो सकता है। अगर इस धन पे, इस जो स्वर्ण घरेलू स्वर्ण है उस पे आप नजर नहीं रखेंगे, आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अगर आपको ये चीज़ हासिल करनी है तो इस पे आपको प्रयत्न करने चाहिए, इस पे आपको दिमाग लगाना चाहिए कैसे कर सकते हैं। उसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे राइटर ने वो दी है कि आप सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखें। अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आप सोचिए अगर आप काम नहीं कर पाए, आप अपने जॉब नहीं कर पाए, आपके पास जॉब नहीं रही, आपका जो छोटा मोटा व्यवसाय है वो अगर नहीं रहा तो क्या होगा। यानी आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में है, अगर वो काम धंधा प्रभावित होता है तो आपको इनकम का और आर्थिक संकट आ सकता है। अगर आप इस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं और बहुत सारे लोगों का टीम बना के ऑर्गेनाइजेशन बना से ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप डेवलप करते हैं तो उनके द्वारा माध्यम से जो टर्नओवर होता है उसमें भी आपको कुछ पैसा मिलता है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स की आप टीम बनाइए जो ऐसा काम कर सकती है, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप पे ही सारी जो जिम्मेदारी नहीं रहेगी और आप ही से सारा बिजनेस रन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट होगा, क्योंकि वहाँ तक आप प्रोडक्ट पहुँचाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट पहुँचाएगा, सिर्फ आप उनको टाइप करेंगे और खुद ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो एक बिजनेस का मॉडल रूप मिलेगा और नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क में जितनी संपदा है वो किसी चीज़ में नहीं है। जैसे आप रोबोटिक योर्सेल्फ की बुक पढ़िए, जैसे गूगल कीजिए, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लीजिए, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और नेटवर्क से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और पैसे वाले वो बने। इजिप्ट में एक पुस्तकालय में आग लगती है और उस आग में सिर्फ एक ही बुक बचती है, पारसमणि की किताब, जिसमें पारसमणि के बारे में लिखा गया है कि पारसमणि आपको कैसे मिलेगी। तो जो जिसको ये बुक मिलती है वो इस बुक को पढ़ता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक समुद्री किनारे पर जाता है जहाँ पे पारसमणि होने की संभावना थी। उसमें बताया गया कि जो पारसमणि का पत्थर होता है वो गर्म होता है और बाकी के पत्थर नॉर्मल होते हैं, उनमें से वो चुन चुन के एक पत्थर समुद्र में फेंकने लग जाता है कि लास्ट में जब उसको पारसमणि आएगी, गर्म हाथ में लगेगी तो उसको पहचान लेगा। लेकिन वो उस चीज़ का उतना आदी हो जाता है कि वो बार बार फेंकता जाता है और जब उसके हाथ में पारसमणि आते हैं उसको भी फेंक देता है। फेंकने के बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो पारसमणि थी, गर्म थी, उसको समुद्र में फेंक दिया, उसको मिलने वाले नहीं है। तो इस तरह से जो पारसमणि होती है, यानी जो ऐसा पत्थर जिसको किसी भी चीज़ को टच करने पे वो सोने की बन सकती है, उसको वो खो देता है। इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है कि हम अपने जीवन में हैबिचुअल हो चुके हैं, हम FMCG की जो घरेलू चीज़ें हैं, हमें जो दैनिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हम रोज लेके आ रहे हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको फेंक दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कितना पैसा हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे जनरेशन पास होनी है कि इससे कोई पैसा बनता नहीं है, इससे पैसा वही बनाता है जो इस चीज़ में काम करता है, वैसे उसके अलावा हमने थोड़ी नहीं लिया, कभी विचार ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा पास वो पैसा नहीं आता। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि आपके घरेलू स्वर्ण में बहुत बड़ी ताकत है। मेरी नज़र में तीन ऐसे तरीके जिनके द्वारा आप घरेलू स्वर्ण के जो आइडिया है उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 है ड्रॉप शिपिंग, और नंबर 2 है वो एफिलिएट मार्केटिंग, और नंबर 3 है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। और कुल मिला के तीनों को अगर एक कंबाइंड रूप में बोले तो इन्फ्लुएंसर बनना। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो आप अपने खर्चे में से आप जो चीज़ें यूज करते हैं, आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को चीजें बताते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये तीनों चीजें होती क्या है, इनकी अच्छी चीजें क्या है, उनमें बुरी चीजें क्या है, उनमें से कौन सी चीज सबसे बेस्ट है, उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ड्रॉप शिपिंग बारे में। ड्रॉप शिपिंग में आप एक वेबसाइट बनाते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं, और साथ में जो आपका सप्लायर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो आपकी वेबसाइट से अटैच होता है। जैसे ही आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आके ऑर्डर देते हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर आपके साथ साथ में उस सप्लायर तक या उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है, और वो उस प्रोडक्ट की को तैयार करके, उस प्रोडक्ट की पैकिंग करके उस कस्टमर तक पहुंचाता है, और जो पैसा आता है वो आपके माध्यम से आपको मिलता है और साथ में आपके माध्यम से सप्लायर को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने स्टोर का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, और ऑनलाइन स्टोर पे जो भी कस्टमर आपके कहने से, आपके रिकमेंडेशन से, या आपकी जो मेहनत है आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वेबसाइट को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो भी माध्यम आजमाना चाहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट में ये जनरली काम करता है, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा एक कमीशन मिलता है और बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप देखिए, जो मौखिक एडवर्टाइजिंग कर रहे थे आप, उसी को सोशल मीडिया द्वारा, मौखिक द्वारा आप लोगों तक सामने ले जा सकते हैं, और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल हो सकता है फ्यूचर के लिए, एक बिजनेस बनाने के लिए।